चलो ब्रीवन हाय। देखो यार तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ गए हैं, अगर तुमने एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट वाला चैप्टर नहीं किया होगा तो मेरे साथ करो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो सर्कल में सेक्टर किसको बोलते हैं और सेगमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा इस सर्कल का सेंटर है, राइट, ये तुम्हारा रेडियस और क्या रेडियस है। अब देखो इस रेडियस से ये वाला रीजन घूर गया, ठीक है, तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। अब सवाल आता है कि देखो ये छोटा सा रीजन है और पीछे वाला एक बड़ा रीजन है, तो छोटे वाले रीजन को क्या बोलते हैं, छोटे वाले रीजन का नाम होता है तुम्हारा माइनर सेक्टर, इसको तुम क्या बोलते हो, माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला जो बन जाता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। आया बात समझ में? और ये किससे घिरा होता है, तुम्हारा रेडियस से घिरा होता है। अब यहां पर देखो इसको हम ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं, तो ए भी तुम्हारा एक क्या होगा, कॉर्ड होगा, ठीक है। अब देखो कॉर्ड सर्कल को दो टुकड़े में क्या कर रहा है, बांट दे रहा है, छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा, तो बड़े वाले टुकड़े को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट बोला जाता है। और इसको हमारी पब्लिक क्या बोलेगी, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। आया बात समझ में? यानी कॉर्ड सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड करता है और जो रेडियस होता है ये किस में डिवाइड करता है, सेक्टर में डिवाइड करता है। अब हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इसके सारे फॉर्मूले। तो देखिए सर बहुत सारे फॉर्मूले करने वाले, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, फिर हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये सब हम बात करने वाले हैं। अब यहां पर हम पहले बात करेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क एसीबी। ये देखो ये तुम्हारा जो आर्क बन रहा ना ये वाला, इसको तुम क्या बोलोगे, माइनर आर्क। और ये जो पीछे वाला बड़ा सा आर्क बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। अब फार्मूला कैसे लिखोगे तुम सुनो, जब सर्कल, ठीक है, ये पूरा ये एंगल थीटा नहीं रहता, कितना रहता, 360 रहता, तो जब पूरा सर्कल बन जाता यानी एंगल 360 डिग्री, उस केस में तुम्हारा सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो अगर एक डिग्री होगा तो 2 पाई आर अपन क्या होगा, 360 होगा, और अगर थीटा होगा तो थीटा से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फार्मूला देखो क्या बन गया यार, देखो अगर पूरा सर्कल की बात करते तो हमारा देखो सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, लेकिन हम बात कितने की कर रहे हैं, 360 की, तो 2 पाई आर इंटू क्या कर दो, थीटा अपॉन 360, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछेगा तो क्या करोगे, 2 पाई आर में से क्या करो, माइनर वाले को घटा दो, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इसको घटा दो, या तो ऐसे भी बोल सकते हो, देखो इस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, 360 माइनस थीटा। देखो पीछे वाला एंगल क्या होगा, 360 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 360 होता है, तो थीटा घटाओगे तो बाहर वाला, ठीक है। तो इस वाले सेक्टर को क्या बोलोगे, मेजर सेक्टर, और इसमें एंगल कितना बन रहा, 360 माइनस थीटा, तो इस वाले आर्क का तुम क्या निकाल सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो। तो दो फार्मूला है, या तो माइनर के लिए 2 पाई आर इंटू थीटा पर 360 करो, मेजर के लिए 2 पाई आर में से माइनर को घटा दो, या तो तुम एक फार्मूला लिख लेना, 2 पाई आर 360 माइनस थीटा अपन 360, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACBO, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, OACBO इस सेक्टर की। अगर पूरा सर्कल रहता तो जनाब इसका एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन हम बात कितने की कर रहे हैं, थीटा डिग्री के, 360 पे पाई आर स्क्वायर, तो एक डिग्री पे पाई आर स्क्वायर अपन 360, तो थीटा पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे वही कहानी भाई, 10 आम का दाम इतना तो एक का कितना, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा फार्मूला बनेगा, देखो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या करोगे, थीटा अपन 360 कर देंगे, ठीक है। और अगर एरिया मेजर सेक्टर पूछेगा तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर में से ऊपर वाला जो माइनर है, माइनर वाले को क्या करोगे, घटा दो,
इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब अगर हम अगर हमसे पूछता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACBA क्या होगा, तो देखो सेगमेंट क्या है, सेगमेंट यही ग्रीन वाला है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो सेगमेंट के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, देखो इस वाले एरिया को हमको, देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल के एरिया को हमको माइनस करना पड़ेगा, किससे, माइनर सेक्टर में से। तो यहां पर जो इसका फॉर्मूला बनेगा देखना तुम लोग, क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इस ट्राइंगल का एरिया आता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आता है, ठीक है। अब ये कैसे आता है, डेरिवेशन हम कभी बाद में देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए अगर एरिया माइनर सेगमेंट आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो, समझ में आया। अगर कल कोई एरिया मेजर सेगमेंट पूछ देता है, मेजर यानी ए वाला, देखना ए पूरा यहां से ले, ए सब बाहर वाला, ये क्या होगा, एरिया मेजर सेगमेंट। तो एरिया मेजर सेगमेंट क्या होगा, पूरे सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट वाले को क्या करो, घटा दो। तो बोलो क्या होगा, यहां से पाई आर स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट के एरिया को घटा देंगे, ये क्या है, एरिया है, ठीक है। बोलो, इतना समझ में आया। एक बार आप सारे फार्मूले को देख लो, कॉपी कर लो, तब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो एक और, हम हमसे क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, ऐसा साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो एक बार जब तुम्हारा पहिया घूम रहा होगा तो कितना दूर चल रहे होगे तुम, 2πr चल रहे हो, यानी सरकमफेरेंस के बराबर चल रहे होगे। मान लो यहां पर हम दिखाते हैं, देखो तुम्हारा साइकिल चलते चलते यहां तक आ गया, कितना दूरी चला, डी दूरी। अब डी दूरी में कितना रोटेशन, कितना बार तुम्हारा पहिया घूमा होगा, तो इस दूरी को क्या करोगे, इसके सरकमफेरेंस यानी 2πr से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर 2πr से डिवाइड कर दोगे तुमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रोटेशन। तो फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ रोटेशन को यहां लिखो, डिस्टेंस अपन क्या होगा, 2πr, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार इसको देख लो, कॉपी कर लिया। चलो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 66 सेंटीमीटर। तो देखो जब भी सर्कल का एरिया पूछेगा तो तुमको किसका जरूरत पड़ेगा, रेडियस का। अब रेडियस हमको किसके फॉर्म में दिया है, यहां पर सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस क्या होगा तुम्हारा, 2πr, 2πr बराबर कितना, 66, पाई का वैल्यू रख लो 22/7 इंटू आर बराबर 66, 22 दिया क्या होता है, 66 होता है, तो r बराबर होगा 7 × 21/2, ठीक है। बोलो, इतना होगा। अब हम यहां से एरिया निकाल लेंगे, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, अब आर स्क्वायर यानी 21/2 को कितना बार लिखना पड़ेगा तुमको, 2 बार लिखना पड़ेगा, काटो 7 × कितना होगा, 21 हो जाएगा, इस 2 से इसको काटो कितना होगा, 11 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली 11 × कितना हो रहा है, 3 × 21 अपान में हो रहा है 2। अगर हम इसको, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 11 × 33 = 21/2। अब अगर इस 2 से 21 को काटोगे कितना आएगा, 10.5। अब इस 10.5 का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 33 × 10.5 यही है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, देखना तुम लोग, 10.5 है यानी 33 में अगर 10 का गुणा कर दे तो कितना आता, 330 आता, और अगर 33 का तुम 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो कितना आएगा, 5 × 15 = 16 यानी कितना हो रहा है, 346, ठीक है। तो यहां पर हमारा आएगा 346.5 एरिया है और सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर। इधर देख लो,
तो बेसिकली हमने हमने मल्टीप्लाई कैसे किया, 33 को 10 से मल्टीप्लाई करके, 0.5 को 33 से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो समझ में आया? तो समझ में आया तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया ऑफ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि एक स्टील वायर है, जब स्क्वायर के फॉर्म में बेंट किया जा रहा है तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है उसका बन रहा है, एरिया बन रहा है। और जब उसी वायर को एक हम सर्कल के फॉर्म में अगर बना दें तो उसका एरिया कितना होगा। तो बेसिकली हमको करना क्या है यहां पर, एरिया ऑफ सर्कल और इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ, अरे यार क्या लिख रहे हैं, देखो हमारा वायर है ठीक है, पहले वायर किसके फॉर्म में था, स्क्वायर के फॉर्म में, अब वही वायर हमारा किसके फॉर्म में आ गया है, सर्कल के फॉर्म में, यानी इस जो वायर का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी हमको करना क्या है, इसका क्या इक्वल करना, लेंथ इक्वल करना। तो लेंथ क्या होगा, देखो स्क्वायर का पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को सुन लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तार है जिसको स्क्वायर के फॉर्म में लपेटा गया है, ठीक है, तो उस केस में वो एरिया बना रहा है कई सेंटीमीटर स्क्वायर। जब उसी तार को एक सर्कुलर फॉर्म में हम अगर बना दे रहे हैं तो उसका एरिया कितना होगा। तो भाई तार का लंबाई तो बदलने वाला है नहीं, लंबाई तो सेम रहेगा, यानी जो तार का पूरा लेंथ है उससे क्या बन रहा है, स्क्वायर का पेरीमीटर बन रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर और जो सर्कल का सरकमफ्रेंस, लेंथ हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो एरिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इस तो बताओ ए स्क्वायर कितना दिया है, 21 दिया है, ठीक है। तो ए बराबर रूट में कितना होगा, 21 होगा। लेट मी चेक क्वेश्चन, मेरे को कुछ गलत लग रहा है। चलो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अ स्टील वायर विल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो भाई क्या है कि देखो एक तार है, उस तार से क्या बनाया गया, स्क्वायर शेप का एक फिगर बनाया गया है, ठीक है। बाद में उसी को हम क्या बना दे रहे हैं, सर्कल बना रहा है, तो हमको उस सर्कल का क्या बताना है, एरिया बताना है। अब देखो अपने पास जो वायर होगा उसका लेंथ तो फिक्स है, यानी जो सरकमफ्रेंस सर्कल का बनेगा वही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, तो दोनों का पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस क्या होगा, इक्वल होगा। आया बात समझ में? तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो देखो स्क्वायर दिया है और स्क्वायर का जो एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसी को हमको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। तो
स्क्वायर का एरिया यानी ए स्क्वायर बराबर कितना दिया 121, तो ए स्क्वायर बराबर होगा 11 का स्क्वायर, तो ए बराबर कितना आया 11 आया। ठीक है, अब सवाल में देखो हम क्या लिखेंगे, जो पेरीमीटर होगा किसका स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब पेरीमीटर क्या होता है 4a, देखो स्क्वायर का साइड हम ये मान लिए हैं, ठीक है, और इसका रेडियस कितना मान लो r, तो 4a इक्वल टू कितना होगा 2 पाई r होगा। अब 4a की जगह पे कितना रखोगे 11, 2 पाई की जगह पर रखोगे 22/7 इंटू क्या होगा r होगा, 2 से इसको काटो 2 × 4 11 दूनी क्या होगा 22, 2 से 2 कट जाएगा यानी r बराबर कितना आया 7 आया। अब हमको अगर सर्कल का एरिया निकालना होगा तो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर स्क्वायर क्या होगा 7/7, 7 से 7 कट जाएगा तो 22/7 हो जाता 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो हमारा कितना आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आज एक बार पूरे क्वेश्चन को देख लो, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या हमने लगाया है कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा वही क्या होगा सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, आप पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार। सॉरी, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हीकल्स। तो अभी हमने बात किया क्या नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस अपन क्या लिख लो 2 पाई आर, बहुत बेहतरीन तरीके से। नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस, ठीक है, साइकिल के पहिए का। तो अब तुम देखो 2r को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहां पर डिस्टेंस को हम कैपिटल डी लिख देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि डायमीटर को फॉर्मूला बनाने वाले हैं। अब देखो इस 2r को, 2r को हम क्या लिख सकते हैं डायमीटर लिख सकते हैं, अरे भाई डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 × रेडियस, तो हमारे फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस लिख देते हैं इसको अपान इसको पाई डी कर देते हैं, ठीक है। डी क्यों लिख रहा है, क्योंकि 2 × r क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तुम वैल्यू पुट करो कितना है 5000, डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर है, ठीक है, चलो 11 किलोमीटर को अगर हमको मीटर में बदलना होगा तो क्या करोगे तुम 1000 से गुणा कर दोगे। अब मीटर में आया, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो फिर तुमको क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है, ये हम सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, तो ऊपर अब तुम्हारा हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 3 जीरो को इस 3 जीरो से काट दो, अब इधर आएगा हमारा 5 × पाई डी, पाई मतलब 22/7, यहां पे डी रख लो, यहां पे होगा 11 इंटू क्या होगा 100। अब यहां से देख लो 11 से काट 11 × 11 = 22, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा डी, देखो 5 × 10 जाएगा ना 10/7 बराबर कितना है 100 है। अब एक अंडा से ये वाला भी अंडा कट गया तो d बराबर आ जाएगा कितना 10/70 सेंटीमीटर, यानी जो डायमीटर आएगा आपके साइकिल का जो पहिया है बाइसिकल का उसका डायमीटर कितना आएगा 70 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़े, समझ में आया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अ कॉन ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो एक कॉर्ड है सर्कल का, उसका रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर है, मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं,
एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का जो अकॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो एक कॉर्ड बना लो यहां से। यहां पे हमारा सर्कल का क्या है, चलो ठीक है, पूरा सेटअप बन गया। अब इसका नामांकन कर देते हैं, इसको सेंटर बोल दो, ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब जो सर्कल का रेडियस हो कितना दिया है, 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। हमको बताना है इसका, देखो ये जो माइनर सेगमेंट बन रहा है इस वाले पोर्शन का, हमको क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। अब यहां पर एक ये दिया है कि ये जो कॉर्ड है सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। बस अब हम इस क्वेश्चन को फोड़ देंगे। अब यहां से हमको देखो माइनर सेगमेंट का, माइनर, चलो यहां से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अभी हमने क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला है, बोलो हाँ या ना है। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, सारी वैल्यू को पुट कर दो, बताओ पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7 रख देते हैं। आर स्क्वायर कितना है, 14 × 14 है, ठीक है। थीटा कितना दिया, राइट एंगल है ना, यानी 90 डिग्री अपॉन 360। यहां से होगा 1/2 आर स्क्वायर, यानी 14 × 14, और यहां से देखना साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब भाई देखो 90 से इसको काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा, 7 से काटोगे तो 7 × 14 हो जाएगा, अब यहां से काटो 2 × 4 हो जाएगा, अब इस 2 से इसको काटोगे तो कितना होगा, 11 होगा, यानी 11 × कितना बचा अपना, 14 है, और यहां से काटो 2 × 7 = 14। अब साइन 90 तो 1 हो जाएगा, यानी भाई तो 1 हो जाएगा, इससे कोई मतलब है नहीं। अब 14 × 7, तो 14 × 7 बोलो कितना होगा, 7 × 4 = 28 कर लो, 7 × 1 = 7 = 98 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 11 × 14 कितना होगा, 11 × 4 = 44 और 11 × 11 = 11 = 4 = 15, 154 में से 98 घटा दो कितना आएगा, 14 में से 8 = 6 और यहां से 14 में से 9 जाएगा 5 = 56 आएगा, तो 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक बार आप इसको देख लें, यानी जो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया कितना आया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। हम लोगों ने क्या किया, पहले देखो एरिया माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला तुमको ये तो याद रखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्वेश्चन में एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री, रेडियस कितना दिया है, 14, फार्मूला पुट किया और सॉल्व करने कितना है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तुमको मेजर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना होगा तो क्या करोगे, सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट क्या करोगे, घटा दोगे। तो देखो यहीं पर हम घटाते हैं इसको, एक पेज ले जाए, चलो अब यहां पर देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपान एरिया ऑफ क्या होगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 14 है, अरे पीछे देख लो कितना है, 14 है, तो 14 × 14 और माइनर कभी आंसर कितना लाया, 56 आया है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, 7 × 14, अब यहां से होगा 22 × 44 × कितना होगा, 14 माइनस होगा 56। अब अगर इसका गुणा करोगे तो 44 × 440 4 × 16 = 70 है, यानी आ रहा 616 − 56, तो 56 घटा दो कितना होगा, 0 × 11 = 5 = 6, यानी 560 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मेजर सेगमेंट का व्यू एरिया आ गया अपना, ठीक है, मेजर सेगमेंट
को कैसे निकालोगे? टोटल सर्कल के एरिया से माइनस सेगमेंट को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? एक बार इसको देख लो, आगे बढ़े। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। क्वेश्चन नंबर फाइव भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पिग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर सेव द ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय अ मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप एज शोन इन फिगर। तो एक घोड़ा है भाई साहब, घोड़ा को यहीं पर बांध दिया गया है। अब पगा मतलब रस्सी, कितना 5 मीटर का रस्सी बांधा गया है। बहुत होशियार है लोग, सोच रहे हैं कि इतना चेहरे हो, ठीक है, तो बांध दिए तो ऐसे जाएगा, इससे ज्यादा दूर तो जा नहीं पाएगा। और हमारा क्या है, ग्रास का फील्ड है, तो 5 मीटर लॉन्ग रोप एज शोन इन फिगर। तो यार चलो, इसमें जो क्वेश्चन था ये हमको समझ लिए, पूछ रहा है कि चलो क्वेश्चन अगर हम लिख देते हैं। देखो जो क्वेश्चन है कि हमको फाइंड क्या करना है, पहला द एरिया ऑफ दैट पार्ट, एरिया ऑफ दैट पार्ट, दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, अच्छा इसी में दूसरा क्वेश्चन है, अगर उसके रस्सी को 10 मीटर बढ़ा दिया गया, ठीक है, यानी उसका रोप 10 मीटर इंक्रीज कर दिया गया, तब वो कितना एरिया चढ़ेगा? ठीक है, तो इंक्रीज इन एरिया पूछा है, इंक्रीज पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, इंक्रीज इन एरिया, बस ये समझो। तो अब यहां पर देखो एक सेक्टर बन रहा है, अब ये जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर का जो एंगल है 90 डिग्री है, क्योंकि एक स्क्वायर है। अब हमको पहला का जो आंसर निकालना है बहुत ही आसान है, हम एरिया निकालेंगे किसका, माइनर सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, माइनर मेजर इसमें क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखो हमको इतने का एरिया चाहिए, इस पूरे पोर्शन का हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो इसका एरिया तुम्हारा फार्मूला क्या बनेगा बोलो, पाई आर स्क्वायर अपन 360 इंटू में क्या होगा, थीटा हो जाएगा। अब बोलो पाई की जगह पे क्या लिखोगे, 22/7 की वैल्यू यूज करना है, ठीक है, इसमें यूज करना हमको पाई का वैल्यू कितना, 3.14। तो पाई की जगह पर रखो 3.14, रेडियस हमारा कितना है 5×5, थीटा यहां पर 360 और यहां पर क्या लिखोगे 90। अब काट दो इसको, 9×4 कितना होगा, 36 हो जाएगा। अब यहां पर देखो होगा 3.14 इंटू 5×5=25 अपान में कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब अगर इसको तुम क्या करो, 4 से कट जाएगा ये, चलो यार काटने से बढ़िया नहीं है, तुम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। बट इसका जो आंसर आ रहा है अपने पास 19.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना, बस उतना कम तो कर सकते हो। अब हमारा जो अगला एरिया है, अगर 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 हम रोप को 10 मीटर कर दे, 5 से कितना कर दे, 10 कर दे, तब कितना आंसर आएगा? तो उस केस में देखो क्या होगा, कर दिया गया यहीं पर, उस केस में अगेन एरिया जो तुम बोलोगे, समझो हम इसको ए टू बोल देते हैं, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा कितना, 90/360। अब पाई तो होगा 3.14, रेडियस होगा 10×10, यहां पर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब 10 टाइम 100 यानी हाई हो जाएगा तुम्हारा 314/4 हो जाएगा। ठीक है,
अब कटेगा, काट देते हैं, दो दूनी चार, दो कम दो, दो पांच दस, दो सत्ते चौदह। अब यहां से आएगा दो सत्ते चौदह, दो अठे सोलह हो जाएगा, ठीक है 78.5 क्लियर आया सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर इंक्रीज इन एरिया पूछता है तो सपोज हम इस वाले एरिया को क्या बोल देते हैं, ए वन बोल देते हैं, ठीक है, और इसको ए टू बोल देते हैं। इधर से देख लो, जो हमारा पहला एरिया था हमने उसको ए वन बोला और अभी फिलहाल जो निकाला उसको ए टू बोला, तो अब यहां पर अगर चेंज पूछ देना इंक्रीज इन एरिया, तो ए टू में से ए वन को क्या करोगे, हटा दोगे, तो ए टू तुम्हारा है 78.5 माइनस 19.625, तो घटाने उठाने के लिए तुम्हारा आंसर आएगा, आएगा वो 58.875 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप कर सकते हो, ठीक है भाई, तुमको तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में लिखोगे तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, कर लोगे। चलो आगे बढ़ा जाए। अब अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो ये जो स्क्वायर हमें बना है इसका जो साइड है कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंड सेमी सर्कल आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज ए डायमीटर, यानी इसके साइड को डायमीटर मानकर क्या बनाया गया है, सेमी सर्कल बनाए गए हैं, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये जो शेडेड रीजन है इन्हीं का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो हम लोग करेंगे क्या, देखो अगर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, अगर स्क्वायर में से घटाओगे तो एरिया नंबर टू और एरिया नंबर चार तुमको मिल जाएगा, ठीक है। इसका एक नाम दे देते हैं ओ, देखना तुम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ रीजन टू प्लस फोर, दो और चार का हमको एरिया निकालना है, तो दो और चार का एरिया निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के एरिया से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, देखना यहां से क्या करेंगे हम इस वाले, इसको देखो एक सेमी सर्कल यहां पे बन रहा है और एक सेमी सर्कल ये बन रहा है, अगर इसको घटा देंगे तब बने वाला बचेगा, ठीक है, तो क्या होगा माइनस, देखो माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल डीओसी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एओबी, स्क्वायर के एरिया से अगर हम सेमी सर्कल जो ऊपर नीचे बन रहे हैं उनको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रीजन टू और फोर का हमको क्या मिल जाएगा, एरिया का सम मिल जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बोलो 10 का स्क्वायर माइनस सेमी सर्कल। अब देखो यहां पर एक बात तुमने नोटिस किया होगा कि ये जो साइड है डीसी ये तुम्हारा क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर है तो यहां तक तुम्हारा रेडियस हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, और उसी का तुमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अगर देखो तुम्हें मान लो अगर इसको ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल अगर पूरे को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, यानी दो सर्कल को घटाने से बढ़िया हम एक सर्कल को क्या करें, माइनस कर दें, तो हम सीधे देखो क्या करने जा रहे हैं, यहां सब कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और पाई का वैल्यू पुट कर लेना हमको 3.14, रेडियस है 5 × 5, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा 100 माइनस 25 का इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 3.14 इंटू कर लो 25, तो यहां से होगा 100 हो गया माइनस 25 चौका 100 होगा, 25 से कम 25, 10 35, ठीक है, 25 तीन 75, तीन कितना होगा 78, 78.50 शायद इतना होगा।
अब लेट मी चेक, ठीक है सही है कैलकुलेशन। अब यहां से अगर इसको माइनस कर देंगे हम, तो देखो अगर 100 और 78 आता तो 22 बचता, 0.5 और घटा दो तो कितना मिलेगा 21.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो एरिया निकला हमारा, एरिया ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ है ना, तो यही देखो बराबर हो जाएगा किस रीजन के, एरिया ऑफ 1 प्लस थर्ड के बराबर हो जाएगा। क्यों? देखो रीजन जो है, रीजन सभी एक ही जैसा है, तो जो एरिया आपका दूसरे और चौथे का होगा वही एरिया तुम्हारा पहले और तीसरे का होगा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, देखना यहां पे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या होगा, स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ बोलो रीजन कितना, रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 प्लस रीजन में क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो अब यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर कर दो माइनस। अब देखो अगर इनका एरिया तुम जोड़ोगे तो 2 गुणे कितना करना पड़ेगा तुमको, 21.5। क्यों? देखो दूसरे और चौथे का एरिया कितना है 21.5, और पहले और तीसरे का भी एरिया कितना 21.5। तो जो दो बार जोड़ने से बढ़िया मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो यहां पे होगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 21 दूनी 42 और यहां पे हो जाएगा 43, तो घटाओगे कितना आएगा 57 आ जाएगा, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप इसको देख लो, ठीक है। अब पूरे कैलकुलेशन के एक बार कैलकुलेशन को देख लें कैसे हमने निकाला है, समझ में आया, आगे बढ़े, चलो ग्रेट। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए क्वाड्रेंट। देखो ये एबीसीडी क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है, मतलब एक सर्कल का एक चौथाई बन रहा है ना, जिसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब इसमें एक बात और बोल रहा है कि एंड अ सेमी सर्कल एईसी, एक सेमी सर्कल है ये, ठीक है, ये वाला एक सेमी सर्कल लग नहीं रहा लेकिन मानना पड़ेगा, ड्रॉन विथ एसी, एसी को डायमीटर मान के खींचा गया है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। अब एरिया बताने के लिए तुम्हारे दिमाग में बात आना चाहिए कि देखो अगर तुम देखो किसी भी तरीके से सपोज अगर इसका एरिया तुम निकालते हो तो ये ज्यादा जा रहा है, यानी इसने एरिया को निकालने के लिए हमको नीचे वाला एरिया इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस करने के लिए देखो हम पहले क्या निकालते हैं, तरीका देखो, पहले हम क्या करते हैं ना, क्वाड्रेंट एबीसीडी का एरिया निकालो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसीडी, सर्कल का एक चौथाई है, या तो 90 देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 करोगे तो 90/360 काटोगे 1/4 आ जाएगा, तो हम सीधा यहां से लिख रहे हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, थीटा अपन 360 करोगे ना तो 90/360 होगा, काटोगे तो कितना 1/4 होगा, यानी 1/4 निकालना है। अरे बर्फ पिज्जा आया ना, पिज्जा का 1/4 तुम भाग है वही तो है, और पाई कितना है 22/7, देखो रेडियस कितना दिया 28 दिया है ना, 28 है तो 28 गुणे क्या कर लो 28 कर लो, ठीक है। अब यहां से इसको काटो 7 × 28 4 × 4 कट जाएगा, यानी 22 गुणे कितना आया 28 आया, चलो बस इतना ही रखते हैं एरिया। अब अगर उसके बाद हमको सर इसका एरिया निकालना हो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ
ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का एरिया क्यों निकाल रहा है, क्योंकि देखो इस पूरे में से, इस पूरे में से एबीसी का घटा देंगे तो इस वाले का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 28 और हाइट भी कितना 28, इसको काट दो तो कितना आएगा, यहां पे 14 आएगा, यहां से मिलेगा 14 × 28। अब अगर हमको इस रीजन का एरिया निकालना हो, जिसको हम इसको रीजन का नाम दे देते हैं वन, ठीक है, देखो तुम लोग इसका नाम दे दें, तो अगर एरिया ऑफ, एरिया ऑफ अगर रीजन वन निकालना हो तुमको, ठीक है, एरिया ऑफ रीजन वन, तो क्या करोगे बताओ, क्वाड्रेंट का जो एरिया है ना, एरिया क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या था तुम्हारा, एबीसीडी, माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक बार देख लो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो जब यहां से तुम माइनस करोगे तो देखो क्या मिलेगा, अगले पेज पे चला गया, शायद दिखाना दे रहा हो, तो हमारा जो रीजन वन का एरिया आएगा, क्वाड्रेंट का एरिया कितना हमने लिखा है 22 × 28 और ये है 14 × 28, तो 22 × 28 ये है 14 × 28। अब देखो यहां से 28 कॉमन ले लो, 22 में से 14 को घटा लो, 22 में से 14 घटेगा कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, आसान हो गया कैलकुलेशन अपना, अभी इतना रहने दो, अभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हमको निकालना, हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है, अब यहां से देखो एसी को, एसी को डायमीटर मानकर एक सर्कल और बनाया गया है, तो एसी जो डायमीटर है, पहले एसी निकाल लो, एसी निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, एसी एबी स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, तो एबी भी तुम्हारा कितना है 28, एबी कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, तो जो एसी स्क्वायर होगा, देखो सॉरी एसी बराबर, ओनली एसी बराबर होगा रूट में 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। अब बताओ 28 स्क्वायर कितना बार है, दो बार ना, तुम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर 2 × क्या 28 का स्क्वायर, ठीक है भाई, अरे 28 कितना बार, दो बार, तो 2 × 28 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब एक 28 बार आ जाएगा ना, तो बचेगा 28√2, एक इसका वैल्यू होगा एसी का। अब तुम चलो 28 का स्क्वायर करो, फिर उसको जोड़ो, फिर स्क्वायर रूट लो, ये तो कहानी बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब एसी जो हमारा है, एसी इधर पीछे आ जाते हैं, इसके लिए देखो ये जो हमारा सेमी सर्कल बन रहा है ना, ये सेमी सर्कल, अरे क्या लिखा है, AECA, AECA जो इज ड्रॉन विथ एसी एज ए डायमीटर, देखो और सेमी सर्कल AECA इज ड्रॉन विथ एसी एज ए डायमीटर, तो फाइंड एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो एसी को डायमीटर माने के हम इसका क्या निकाल रहे हैं, निकाल लेंगे एरिया, तो एसी अगर डायमीटर है, एसी डायमीटर है किसका, AECA सेमी सर्कल का, ठीक है, AECA सेमी सर्कल का। तो अब यहां से अगर तुम इसका एरिया निकालना चाहो तो देखो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा ना, तो 1/2 पाई का वैल्यू 22/7, अब रेडियस इसका कितना है 28√2 को 2 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि डायमीटर है, 28√2 डायमीटर है, 2 से डिवाइड कर दो क्या निकलेगा, रेडियस। अब इसको 2 से काट दो कितना आएगा, 14 आएगा, तो अब हमारा आंसर आ सकता है 1/2 × 22/7। अब 14 को कितना बार लिखोगे, 2 बार, √2 को लिखोगे कितना बार, 2 बार, ठीक है। अब यहां से 7 से काटो, 7 × 2 = 14, 2 से 2 को काट दो, अब देखो मिला 22 × 14,
और √2 कितना होगा 2, यानी 22 गुणे 14 दिन कितना होगा 28 होगा, 22 गुणे कितना मिला 28। और हमको जो हमारा रीजन वन था उसका एरिया कितना मिला है, उसका एरिया मिला है 28 गुणे 8। तो अब हमारा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, एरिया ऑफ शेडेड नहीं शेडेड शेडेड रीजन, देखो सेमी सर्कल के एरिया से, अभी जो हमने निकाला है सेमी सर्कल के एरिया से क्या करोगे, एरिया वाल एरिया वन को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना भी आया 22 गुणे 28 आया है, और इसका एरिया आया है 28 गुणे 8 आया है। 28 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 22 माइनस 8। देख लो 22 में से 8 घटाओ कितना मिलेगा 14 मिलेगा, यानी यहां से कर लो 28 गुणे 14। अब अगर इनका गुणा करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करे करे कैसे करेंगे, 14 को तुम 10 मानो, क्या मानो 10, तो 28 गुणे 10 कितना होगा 280। अब 4 का गुणा कर लो, 4 बटी 32, 4 दूनी 16, 3 19, तो 2 9 8 17, 372 आ रहा है। लेट मी चेक कितना होगा 14 280, 4 बटी 32, सॉरी, 28 दहिया हमने कितना माना था 280, और 4 बटी 32, 4 दूनी 8, 8 3 11, 2, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 392। तो 392 सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर यही आपका क्या होगा आंसर होगा। एक बार आप देख लें पूरे कैलकुलेशन को, समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।